हम अर्थ में कहीं पे भी खड़े हों, अगर हमें उस जगह पर ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ डायरेक्शन का पता करना है तो कैसे पता करेंगे, वो मैं आपको इस मेथड में बता रहा हूँ। इस मेथड को सन शेडो मेथड कहते हैं। सन शेडो मतलब सन का मतलब सूर्य, शेडो का मतलब परछाई। सूर्य की जो परछाई होती है उससे हम लोग एग्जैक्टली कैसे पता लगाएंगे ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ का। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आप किसी भी फ्लैट सरफेस पर चले जाइए और इस तरह से जाइए कि जिस समय सूर्य की रोशनी बहुत बढ़िया तरीके से वहां पर आ रही हो, जैसे आप किसी पार्क में जा सकते हैं या आप अपने घर की छत पर भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप अपने घर की छत पर हैं, ये आपके घर की छत है और यहां पर कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऊपर, जैसे ये कोई चेयर रखी हुई है, ठीक है, इसके ऊपर सनलाइट आके गिर रही है और सनलाइट के गिरने से इसकी परछाई बन रही है। तो जो उसकी परछाई है वो मान लीजिए यहां तक जा रही है, ये जो उसकी टिप है चेयर की, उसकी शेडो यहां पर बन रही है। आप एक पत्थर लीजिए या कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए और उसको यहां पर रख दीजिए, ये एक स्टोन रख दिया आप लोगों ने। अब थोड़ी देर के बाद में, 15 मिनट के बाद में, 20 मिनट के बाद में या आधे घंटे के बाद में आप फिर से उस लोकेशन पे आइए, तब आप देखेंगे कि सन की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाने के कारण जो उसकी शेडो है वो भी चेंज हो गई। जो शेडो पहले यहां पर बन रही थी वो अब शेडो कहीं दूसरी पोजीशन पे बन गई। अब जो यहां पे इसकी टिप की जो शेडो बन रही हो, जहां पे लास्ट इसका एंड हो रहा हो, वहां पे एक दूसरा स्टोन रख दीजिए, ठीक है। अभी दो अलग अलग पोजीशंस आपको मिल गई। ये वाली जो पोजीशन मैंने बनाई है और ये जो नई पोजीशन बनाई है, तो ये जो पुरानी वाली पोजीशन है ये उस लोकेशन का वेस्ट शो करता है, पश्चिम को शो करता है, और जो नई लोकेशन है वो उस लोकेशन की ईस्ट को शो करती है। कि जैसे मैंने इस पत्थर की दो अलग अलग कंडीशंस ली, ये पहले वाली कंडीशन और ये दूसरी वाली कंडीशन, इनको मैंने एक पेंसिल से मिला दी, तो ये वाली जो लोकेशन है पुरानी वाली ये किसको शो करेगी, वेस्ट को, और जो नई लोकेशन है वो किसे रिप्रेजेंट करेगी, उस जगह के ईस्ट को। ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, इनको मिलाने वाली लाइन बना दी। और अब पेंसिल से हम लोगों ने इसके 90 डिग्री के एंगल पे एक दूसरी लाइन बना दी। ये जो 90 डिग्री पे आप लोग लाइन बनाएंगे, ये लाइन में ये इस जगह के नॉर्थ को रिप्रेजेंट करेगा और ये साउथ को रिप्रेजेंट करेगा। यही इस पर्टिकुलर जगह का ट्रू नॉर्थ है और यही इस पर्टिकुलर जगह का ट्रू साउथ है। जैसे ये दोनों स्टोन्स को मिलाने वाली लाइन बनाई और इसके परपेंडिकुलर एक दूसरी लाइन ड्रॉ कर दी, ये नॉर्थ और ये साउथ। जैसे हम अर्थ में कहीं पे भी खड़े हैं, ये हमारा इंडिया है और यहां पर अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो ये जो मैंने लाइन बनाई है, ये वाली लाइन जो आप बनाओगे ये एग्जैक्टली अर्थ के नॉर्थ की तरफ जाएगी और जो नीचे वाला जो हिस्सा है वो एग्जैक्टली अर्थ के अंदर का जो साउथ है उसकी तरफ जाएगा, ये पूरी लाइन, ठीक है ना। ये हम ट्रू नॉर्थ ट्रू साउथ की लाइन अपन को मिल गई। इस तरह से बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट करके हम लोग पता कर सकते हैं ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ किस तरफ होता है।